अपनी जानी बस रहे होगी जनता से तो हम अपने आदमियों को पत्रकार थे उन लोगों का कहना है की 100 राउंड के लगभग फायरिंग हुई है और वहाँ 2 टुल्ले खड़े हैं बिल्कुल मेरे से बदला लेना मुझसे लो इमरजेंसी किधर है मंत्री की हत्या होते सब देख रहे हैं। ये पुलिस की चुनाव प्रशासन चुनाव आयोग की कैटेगरी अति संवेदनशील कैटेगरी में है, लेकिन यहाँ सुबह से हम सूचना दे रहे थे कि यहाँ जो गरीब तबका है उसको वोट डालने के लिए असामाजिक तत्व रोक रहे हैं, लेकिन 8:15 बजे से सूचना शुरू से आने लगी थी, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने किसी ने कोई गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर वो असामाजिक तत्व गोली उन्होंने चलाई। बताते हैं किसी के लगी भी है, चोटिल तो है, खून तो मैंने देखा। अब ये नहीं मैं कह सकता चोट कहाँ की है। एक आधे पौने घंटे बाद मैं पहुँचता हूँ यहाँ, मैंने जब देखा खून में तो मैं उनको अस्पताल लेकर गया। अस्पताल भी ले जाने वाला यहाँ कोई नहीं था। फिर पुलिस प्रशासन यहाँ है और वो असामाजिक तत्व अभी भी वही लोग जिनके नाम गोली चलाने में आ रहे हैं वही लोग अभी भी यहाँ पर खड़े हुए लोगों को धमका रहे हैं। तो ये तो हत्या है लोकतंत्र की। आज पुलिस प्रशासन की चुनाव आयोग की का इम्तिहान है कि उन असामाजिक तत्वों को बिना किसी राजनीतिक दबाव के पकड़े, उनको सजा दें दिलवाएँ, और जो लोग वोट डालने से भी रुके हुए हैं उनको वोट डालने का अधिकार उनका है और उनको उस अधिकार से वंचित ना किया जाए, पुलिस सुरक्षा में उनके वोट डलवाए जाएं। अभी पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? अब पुलिस से हमने बात कर ली है, वो तो पुलिस को देखना है क्या करेंगे। वो राजनीतिक दबाव में है तो क्या करेंगे, राजनीतिक दबाव में नहीं है तो क्या करेंगे। तो वोट डालने के लिए मना किया जा रहा है, जनता का आरोप है कि ये लोकतंत्र की हत्या होते आप अपनी आँख से देख रहे हैं। देखिए अभी मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, स्थिति सामान्य है, चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है। कितने लोग घायल हुए हैं? कुछ हॉस्पिटल अभी तक इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कोई प्रमाणिक सूचना और पुष्टिकारक सूचना प्राप्त होने पर आप लोगों से साझा पुलिस के पुलिस बल के साथ आप मौके पर आए हैं यहाँ पर किस? बिल्कुल, यहाँ पर स्थिति सामान्य है, चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है और स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात। कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि कई दर्जनों गोलियां चली हैं। देखिए अभी किसी भी तरह के आरोप पर कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं है। चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराना प्राथमिक दायित्व है और सर्वोपरि दायित्व। मौके पर किस तरह शांति व्यवस्था? यहाँ स्थिति सामान्य है और शांति व्यवस्था कायम है। कौन से बूथ है जहाँ की सूचना थी सर? दिल्ली बरहड़ी गाँव का बूथ नंबर 2 है। अब खाना वो फर्जी वोटिंग कर रहा हूँ।